नमस्कार, भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जब कोरोना काल में हम सभी की दिनचर्या लगभग अस्त-व्यस्त हो चली है, तो ऐसे में हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है लेकर रंग समागम 2020। इस रंग समागम के माध्यम से वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कला जगत की उन विभूतियों के साथ जिन्होंने कला जगत में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है, एक मानक स्थापित किया है। इसी कड़ी में हमारी आज की जो मेहमान है उनका भारतेंदु नाट्य अकादमी से एक गहरा संबंध रहा है। आप वहां की छात्रा तो रही हैं, साथ ही आपने वहां की रिपर्टरी में भी एज एन आर्टिस्ट काम किया है। आप एक एक्ट्रेस, राइटर, डायरेक्टर के रूप में जानी जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अवंतिका सक्सेना जी की। नमस्कार मैम, भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आपका स्वागत है। नमस्कार तृप्ति, आशा करते हैं मैम कि इस कोरोना काल में आप और आपका परिवार सकुशल स्वस्थ अपने घर पर होगा। जी जी बिल्कुल, बहुत सकुशल। अभी तो फिलहाल भगवान की दया से सब है ही, और मैं भी मुंबई में रहती हूँ और अभी अपने होम टाउन कानपुर आई हुई हूँ, और अभी तो फिलहाल हम सभी बचे हुए और सुरक्षित ही हैं यहाँ पर। मैम, शुरुआत करते हैं आज के साक्षात्कार का। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक MSc की छात्रा कैसे रंगमंच की ओर जुड़ी, क्या बातें रही इसके पीछे, क्या कारण रहे, क्या कहानी रही? एक्चुअली हाँ, ये भी अभी कोइंसिडेंस था कि मेरी भांजी ने भी ये कहा कि पूछिए आप MSc से कैसे पहुंच गई ये सब फील्ड में। तो ऐसा रहा कि मैंने 2004 से ये शुरुआत की, उस दौरान मैं इंटर में थी, इंटर पास आउट हुआ था मेरा। तो मेरी एंट्री एक लोकल सीरियल बन रहा था, तो उसमें आया कि जो है रंगमंच के कलाकारों की आवश्यकता है, लोकल चैनल पे ही आ रहा था वो। तो मैंने उसमें कॉल किया, नए नए मोबाइल्स आए थे उस समय, मेरे पास नहीं था, मेरे पास डॉट फोन ही था। तो मैंने कॉल किया और उनसे कहा कि मैं रंगमंच की कलाकार नहीं हूँ, लेकिन अभिनय में चूंकि इंटरेस्ट पहले से था, स्कूल वगैरह में कॉम्पिटिशन करती रहती थी। तो मैंने उनको बताया कि मेरा ऐसा इंटरेस्ट है और मैं आना चाहती हूँ, लेकिन मैं आज ना तो रंगमंच की कलाकार हूँ और ना ही मैं आजकल की लड़कियों की तरह स्लिम ट्रिम गुड लुकिंग हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है, और धारावाहिक बन रहा है उसमें तो तरह तरह के होते हैं चरित्र, तो आप आ जाइए ऑडिशन दे दीजिए। तो वहां पे जो मैं गई तो एक शूट भी हुआ सीरियल से, और वहां पर मुझे कानपुर के जो पुराने रंगकर्मी थे उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर दर्पण कानपुर यहाँ की बहुत पुरानी संस्था है और बहुत प्रख्यात संस्था है कानपुर की, तो वहाँ के अभिनेता मुझे मिले और वहाँ एक शो उसी दौरान ठंड में दौरान में ही होने वाला था। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, रूप राजा नाटक था जिसके निर्देशक NSD के पास आउट अरु व्यास जी थे। तो वहां से मैं आगे बढ़ती गई, जब एक नाटक किया फिर और संस्थाओं में मुझे काम मिलने लगा, फिर मैंने और किया, अच्छा लगने लगा। तो साथ साथ मेरा BSc भी चल रहा था क्योंकि मैं साइंस साइड ही फील्ड से रही शुरू से। फिर BSc करने के बाद मेरे जो फादर थे वो बहुत ज्यादा अलाउ नहीं कर रहे थे इस फील्ड को लेके, तो उनका ये था कि नहीं नहीं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो। तो फिर मैंने साथ ही साथ MSc भी किया। जब मेरा MSc कंप्लीट हो गया तो फिर मैंने अपने फादर से कहा कि अब मैं अपने मन का करना चाहती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे ही BNA का फॉर्म डाला और लकीली उसी साल मेरा हो भी गया स्कॉलरशिप की सीट पे, तो फिर मेरा इस तरह से BNA आना हो गया। मैम, BNA के 2 साल के पाठ्यक्रम के दौरान आप दोनों साल टॉपर रहीं, इसके लिए आपको सम्मान एवं पुरस्कार भी मिले। तो क्या कुछ खास यादें BNA से जुड़ी हैं आपकी, किन को आप संजोकर लेकर गईं? नहीं नहीं तृप्ति, मेरी तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं BNA से। मैंने BNA आने तक लगभग 10 से ज्यादा नाटक किए थे, लेकिन सिर्फ नाटक किए थे, ना उनको पढ़ने की अकल थी मुझको, ना समझने की अकल थी मुझको। लेकिन होता क्या है ना, जैसे आप अपने छोटे से शहर में कुछ करते हो तो आप वहां के लिए बहुत टॉप बन जाते हो कि अरे अरे मैंने तो इतना कर लिया, उतना कर लिया। लेकिन जब आप वही कुएं से बाहर निकल के आप समुद्र में आते हो तो लगता है कि आप कुछ नहीं हो। तो BNA ने मुझे बेसिक जो थिएटर है, मैंने जबकि किया बहुत अभिनय था लेकिन बेसिक थिएटर जो की नॉलेज थी वो मुझे BNA से आके मिली।
यहाँ से मुझे, और सिर्फ मुझे सिर्फ अभिनय का नहीं ज्ञान हुआ, कैसे नाटक पढ़े जाते हैं, निर्देशित किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, मुझे हर चीज बीएनए से सीखने को मिली। मतलब एबीसीडी मैंने कहा जाए तो मैंने बीएनए से सीखी, और थोड़ी रुचि भी थी। और इस जब होता है ना कि आपको अपने ही मन का करने को मिल जाए, जैसे अभी तक आपने पढ़ाई की तो वो रूटीन है कि हर किसी को पढ़ना ही पढ़ना है, और लेकिन ये फील्ड ऐसी थी जो हम खुद से चुन के आए थे, जो तो इसीलिए मैं सोचती थी कि मैं इसमें कम से कम अपना 100% दे पाऊँ, 100% दे पाऊँ, तो वही मैंने किया। और थोड़ा लिखने का शौक मुझे बचपन से था, मैं जब सेकेंड क्लास में थी तभी से मैं थोड़ा थोड़ा कविताएं वगैरह लिखा करती थी, यही मुझे बीएनए में काम भी आया। फिर मेरा लिखने का स्किल और मेरी सारी चीजें, मेरी समझ जो भी थी, और मेरी जो स्कूलिंग बैक की रही, बहुत अच्छे स्कूल में मैं पढ़ी भगवान की कृपा से, तो इसी के कारण मेरा ये आगे इस फील्ड में और प्रोग्रेस होती चली गई। मैम, बीएनए के 2 साल के पाठ्यक्रम के दौरान कौन कौन से नाटक किए, और कौन सा ऐसा किरदार है जो खास आपके दिल के करीब है, कौन से ऐसे नाटक के निर्देशक हैं जिनके काम करने के तरीके से आप आज भी बहुत प्रभावित हैं? मेरा सबसे पहले बीएनए जाते ही फर्स्ट ईयर में बीएनए की कार्यशाला चल रही थी, उसमें गगन दमामा बाज्यो हो रहा था, पीयूष मिश्रा जी का लिखा हुआ, और संजय उपाध्याय सर आए थे उसको निर्देशित करने के लिए। तो पहला नाटक तो गगन दमामा बाज्यो था, जिसके एंड डेज में ही मेरी एंट्री हुई स्कूल में, और फिर उसके बाद हमें भी उसमें ज्वाइन करा दिया गया, तो पहला नाटक हो रहा। उसके बाद हमारे उसी सेशन के दौरान सूर मोहन कुलशेष जी थे, उनका हुआ गजल का सफर, वो भी रंगमंडल का एक प्रोडक्शन था, उसमें भी हम लोग फर्स्ट ईयर के थे तो हम लोग को सबको अटैच कर लिया जाता था। फिर उसके बाद विजय कुमार जी आए, रवि केमू जी आए, आलोक चटर्जी आए, ये सब भी अपना अपना प्रोडक्शन लेके आए। सत्यव्रत राउत जी का आया था मोरे नैना रंग चढ़े, अमिट समर नाइट्स थीम का उन्होंने एक एडेप्टेशन था मोरे नैना रंग चढ़े, उसमें भी हमारे सीनियर्स मेन में थे, लेकिन हम सब ने किया था, वो भी एक बहुत सुखद अनुभव था, बहुत ही अच्छा। मतलब इस तरह लेविश रूप में या इतने बड़े स्केल पे जो नाटक हुए वो मैंने पहली बार बीएनए में ही देखे और किए। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में खूबसूरत बला हुआ, जिसमें हमारी मैम सुश्री चित्रा मोहन जी ने उसको निर्देशित किया, और वो भी मेरा एक बहुत पसंदीदा कला का मतलब चरित्र रहा। फिर रवि के मुझी का फैमिली आया, फैमिली अ फैमिली प्ले का जो कैरेक्टर नानी का था, अ फैमिली जिसको एडेप्ट भी मैंने किया था, रोनाल्ड हार्डवुड का वो इंग्लिश का प्ले था, जिसको रवि केमू सर ने मुझसे कहा, तो मेरा फर्स्ट एडेप्टेशन जो नाटक लिखने का एक कीड़ा था वो रवि केमू सर ने लगाया, और उसमें एक नानी का कैरेक्टर था, फनी सा बूढ़ी नानी है जो 60-60 क्रॉस है, वो मेरा अभी तक का सबसे पसंदीदा चरित्र रहा, बहुत अच्छा। और इसमें बीच में रंजीत कपूर जी भी आए, उनकी असिस्टेंट में रही, तो उनसे भी मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, उनका बहुत बड़ा सवाल उन्होंने मुझे एज असिस्टेंट अपना दिया, तो बहुत बड़ा सवाल में भी मैंने काम किया, तो उनसे भी काफी कुछ सीखा। ये जितने निर्देशक थे, निर्देशक आए, वो सब अपने आप में अद्भुत थे। मैम, किसी किरदार की तैयारी करने के लिए, किसी किरदार को निभाने के लिए एक अभिनेता को कैसी तैयारी करनी चाहिए? आप जब कोई कैरेक्टर करती थी तो उसको करने के लिए आप कौन कौन सी थ्योरी टेक्निक्स का यूज करती थी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तृप्ति, क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि जैसे आजकल की यूथ जनरेशन है, वो आती है नाटक देखती है, नाटक में लाइंस अपनी रट लेती है और फिर उसको बोल देती है और सोचती है कि नहीं हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नाटक में आपका जो चरित्र है, वो जब चरित्र आपको लगे कि मैं ही हूँ वो, जैसे 60 साल की नानी, मतलब मैं 60 साल की हो गई, मैं कैसे चलूंगी, मैं कैसे बैठूंगी, मैं कैसे खाऊंगी, तो इसमें आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपनी मम्मी को ऑब्जर्व किया, उन्हीं का कैरिकेचर पकड़ा कि हाँ कैसे वो चल रही हैं, कैसे वो थक रही हैं, या बोल कैसे रही हैं, या किस तरीके का आपका वो। तो कोई भी चरित्र अगर आपको मिलता है, आप पहले तो बैठ के उसको समझिए, उसकी आप पूरी स्क्रिप्ट में देखिए कि वो चरित्र कैसे कैसे फ्लो कर रहा है, कैसे जा रहा है। इससे कोई मतलब नहीं होता कि वो चरित्र में आपका रोल मतलब वो चरित्र का समय जो है आपका या पार्ट जो है वो बहुत छोटा है कि बड़ा है, इससे मतलब नहीं होता। हो सकता है कि एक सीन के लिए आप आए, लेकिन वो उस एक सीन में आके कैसी महत्ता बनाएगा अपना, कैसी इंपॉर्टेंस है उस कैरेक्टर की, इस चीज को समझना पड़ेगा। और वो लाइन्स में नहीं आता, वो आपको बैकग्राउंड खुद बनाना पड़ता है। तो आप कोई भी कैरेक्टर लेके उसको समझिए, पढ़िए, फिर उसका अपने एक हिसाब से सोचिए कि ये ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी बोल सकता है, फिर उसको आप उसकी जब तैयारी करेंगे ना,
तो आपका वो चरित्र निकल के आएगा। और दूसरा क्या कि गले का रियाज बहुत जरूरी है थिएटर रंगमंच के लिए, तो बहुत ही ज्यादा। आपका लैपलमा एक आजकल चलने लगा है जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि गला आपका बहुत सबसे ज्यादा सफर करता है रंगमंच में। तो आपको अपनी वॉइस एक्सरसाइजेस तो रेगुलर करनी चाहिए अगर आप आर्टिस्ट है थिएटर के, तो वो तो आपके लिए मस्त है। क्योंकि जब तक आपका गला नहीं खुलेगा एक एक टाइम के बाद ना, आपको लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे आपकी आवाज। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो लोगों को करनी चाहिए, आर्टिस्ट को तो, एक्टर्स को तो मस्त है करनी। यही चीज मैं करती थी तो भाई अभी तक है। मैम आप एक अभिनेता भी रही हैं, एक एक्ट्रेस भी रही हैं, तो शायद यही वजह है कि आपको लेखन में और डायरेक्शन में इससे काफी मदद मिली। बहुत 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 मदद मिली। अगर आप एक चरित्र अभिनीत करते हैं, एक्ट करते हैं, तो आप उसमें उतरते हैं। अच्छा ये वैसा वर्षा है, अगर कोई इंसान डायरेक्ट करता है तो जो डायरेक्ट करता है वो अगर अभिनय करने आए ना तो वो उसके लिए उसमें मज जाएगा। ये मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल एक व्यू है। क्योंकि जब मैं एक्टिंग करती थी, सिर्फ सच बताऊं तो मैं एक्टिंग करती थी, तो मैं डायरेक्टर का जो पर्सपेक्टिव है वो नहीं समझ पाती थी। लेकिन फिर जब मैंने डायरेक्शन किया और डायरेक्शन के बाद एक्टिंग की जब मैंने, तो मैं उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझने लगी। क्योंकि जब जो इंसान सामने से कोई चीज देखता है ना, उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि कहाँ से क्या चीज सही लग रही है। तो ये सब वैसा वर्षा ही है कि आप अगर निर्देशक हैं तो आप एक्टिंग भी अच्छी करेंगे, और अगर आप अभिनेता हैं और अगर आपको निर्देशन करने को दिया जाए तो आपकी एक्टिंग और ज्यादा निकलेगी। और लेखन तो फिर सब भावनाओं का खेल है। आप अगर अच्छे आपने अभिनेता है या निर्देशक है, आप भावनाएं पकड़ना सीख गए हैं, तो आप लिखने लग जाएंगे। फिर लिखने के लिए तो अथाह समुद्र है, आपका कोई वो नहीं है। लिखते समय या नाटक निर्देशित करते समय कभी कोई ऐसी चुनौती आई, ये लगा कि कैसे होगा, क्या करूंगी, और फिर जब हुआ तो वो होता चला गया, कुछ ऐसा याद आता है? बिल्कुल हाँ, वो मैं आपको बताऊं कि मेरे आज तक ऐसा होता है कि शुरुआत जब होती है किसी नाटक की या किसी चरित्र को एक्ट करने की, तो मेरी रिहर्सल्स इतनी बेकार जाती हैं कि मुझे लगता है मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगी। क्योंकि मुझे समझ में आता है, मैं बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ कि सामने कैसा जा रहा है, सामने वाले को क्या नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन वो वही है कि इसीलिए शायद रंगमंच में होता है कि आप बार बार, क्योंकि आपको देखने को नहीं मिलता। जैसे कोई चीज आप स्क्रीन के लिए करते हो तो रिकॉर्डेड है, आपने फट से देख लिया और देख के आपको समझ में आया नहीं नहीं यहाँ आपका मूव गड़बड़ है, ये लाइन इस तरह से नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। पर रंगमंच में आपके लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए मुझे तो हर प्रोडक्शन में, हर प्ले में आज भी ये प्रॉब्लम होती है कि मेरा शो भगवान जाने कैसे जाएगा। लेकिन थोड़ी ईश्वर की कृपा रहती है या मेरे गुरुओं का आशीर्वाद रहता है कि वो चीज हो जाती है, तो वो तो रहता है। मैम आपने नाटकों की भी स्क्रिप्ट लिखी है और फिल्म एंड टेलीविजन के लिए भी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, तो क्या अंतर है एक नाटक की स्क्रिप्ट लिखने में और एक टेलीविजन की स्क्रिप्ट लिखने में? अंतर तो देखो किसी भी चीज में थोड़ा ही होता है, बस फर्क ये होता है कि कैमरे का जो फोकस होता है वो लिमिटेड है ना। आप रंगमंच में तो वाइड है, आपका एक दे दिया सीनरी और उसमें वाइड है कि आप जहां जहां चाहो वहां वहां वो चीज लगा के, वो सीन वैसी बना के, उस चीज को क्रिएट करके। या रंगमंच में ये बाउंडेशन भी नहीं, हमने एक चांद दिखा दिया इमेजिन करके, तो भी लोग मानने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब हम लिखते हैं और अगर हम उसमें चांद लिखते हैं तो हमें वास्तविक चांद दिखाना पड़ता है। तो कुछ कुछ ये टेक्निकलिटीज होती हैं जो आप स्क्रीन के लिए लिखते हो और स्टेज के लिए लिखते हो, तो वो आपको ध्यान में रखे, टेक्निकली आपको स्क्रीन में ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जो कि नाटक में नहीं करना पड़ता। नाटक में आप भावनाओं का ज्यादा यूज कीजिए और स्क्रीन में आपको टेक्निकली चीजों को देखते हुए, संभालते हुए चीजें लिखनी पड़ती हैं। तो वो दोनों में थोड़ा यही डिफरेंस है, बाकी इमोशन तो दोनों ही स्क्रिप्ट्स में चाहिए होता है। मैम आपको आपकी पहली ही रीजनल फिल्म के लिए राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट राइटर के उसमें नॉमिनेट किया गया था, तो उस रूप में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं, क्या ऐसी बातें आपको लगती हैं जो आपने ध्यान में रखी या आगे रखेंगी, और किस ओर अब आपकी तैयारी है? यार ये तो मेरी सिर्फ ईश्वर की कृपा मैं कहूंगी कि मैंने छोटे ही लेवल से उस फिल्म को लिखना स्टार्ट किया था और वो इतने बड़े लेवल पे चली गई, ईश्वर की कृपा है और कुछ नहीं है। और जब ये चीज हुई तो ये मेरे लिए भी था, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे जिन्होंने मुझे मुंबई में जिनका जिनको मैंने असिस्ट किया था, जो राइटर थे,
उनको काफी साल लगे उस पोस्ट तक पहुंचने में कि उनका किसी फिल्म ऐसे फेस्टिवल में या किसी उसमें नॉमिनेशन आए, और मेरा पहली ही फिल्म में आ गया जो कि उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से हुआ। तो ये तो ईश्वर की कृपा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आजकल के माहौल में इंसान को और ज्यादा अपडेट होने की जरूरत है। आप जितना ज्यादा अपडेट रहोगे, और आप कोई यहाँ पर आजकल लिखने में कोई बहुत विशेष घटनाओं की तलाश नहीं होती है, आपके आसपास ही जो आजकल उठ के आ रहा है आप उसी से संबंधित कुछ ढंग से लिख दो, और ऐसा लिखो जो आपके घर परिवार से जुड़ा हुआ लगे। तो वही आजकल ज्यादा चल रहा है और वो अच्छा है। तो मुझे अपनी लेखनी मेरी अभी तो बस मंझ रही है, अभी मुझे बहुत बहुत उसमें प्रयास करने की जरूरत है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझसे आगे हैं, तो हालांकि इसके लिए तो मैं ईश्वर को ही धन्यवाद दूंगी कि पहली ही फिल्म मेरी ऐसे नॉमिनेट हो गई एज अ बेस्ट राइटर, मैं उसमें नॉमिनेटेड थी, तो यही मेरे लिए ब्लेसिंग थी। और राइटिंग की तरफ ही मैं अपनी लेखनी सुधारने की ही कोशिश में हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा लिखूँ जो थोड़ा माइलस्टोन हो। आजकल जिस तरीके का वातावरण चल रहा है और उसी के लिए, तो मेरा प्रयास अभी तो फिलहाल लेखन की तरफ ही रहे हैं। मैम आप एक कवित्री भी हैं, तो अपनी लिखी कोई कविता हम सबके साथ साझा करना चाहें। हाँ तृप्ति, मैं जरूर आपको सुनाती हूँ। हालांकि मेरी एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपना ही लिखा आज तक कभी याद नहीं रहता, और मैं लिखती तो बहुत छोटे से हूँ, तो मैं एक अपनी पढ़ के ही सुनाती हूँ जो मेरी हाल फिलहाल ही मैंने लिखी है। जी वक्त की नजाकत का ऐसा दौर चल पड़ा, हम देखते ही रह गए और जमाना बदल गया। अभी तो कली ने दो एक सांसे गिनचुन के लिए, अभी तो कली ने दो एक सांसे गिनचुन के लिए, देखते ही देखते उसका ठिकाना बदल गया। तमन्नाओं का गिलास भरना शुरू ही किया था, तमन्नाओं का गिलास भरना शुरू ही किया था, आहट भी ना लग पाई और पैमाना बदल गया। समंदर की लहरों पर मचलना सोचते उससे पहले, समुंदर की लहरों पर मचलना सोचते उससे पहले, तूफान के थपेड़ों से मिजाज दीवाना बदल गया। दरवाजों की चौखटों का तरीका जो बदला, दावतों के तौर का शामियाना बदल गया। आज जो आईने से अचानक रूबरू हुए हम, आज जो आईने से अचानक रूबरू हुए हम, जाने क्या बला दिखी और इतराना बदल गया। वक्त की नजाकत का ऐसा दौर चल पड़ा, हम देखते ही रह गए और जमाना बदल गया। वाह बहुत खूब, हम सुनते ही रह गए और समय बदल गया। बहुत थैंक यू खूब सो मच, थैंक जी मैम। एक अभिनेता के रूप में या लेखक और निर्देशक के रूप में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक इंस्टीट्यूट की कितनी भूमिका होती है। एक नॉन प्रोफेशनल आर्टिस्ट और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट को लेकर जो हमेशा विवाद रहता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो आजकल हो ही रहा है। जैसे मुंबई में भी सबसे ज्यादा स्ट्रगल यही है कि ट्रेनीज और नॉन ट्रेनीज की जो लड़ाई है वो बहुत, और आजकल ऐसा देखने में आ रहा है कि जो ट्रेनीज हैं वो पीछे रह जाते हैं और नॉन ट्रेनीज आगे निकल जाते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि देखो, हर चीज के अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू होते हैं। जो ट्रेंड लोग हैं उनको सारी चीजें पता हैं, टेक्निकली भी चीजें सिखाई जाती हैं, उन्होंने उस चीज में टाइम दिया होता है तो उनको उस चीज की गहराई पता होती है। लेकिन आजकल क्या है ना कि इंडस्ट्री है, जैसे उसमें कमर्शलाइजेशन बहुत है, तो वहां आपको ज्ञान कितना है या आपको टेक्निकली कितनी चीजें पता है इससे किसी को लेना देना नहीं है। आप उस समय प्रेजेंट में जो आपसे चाहा जा रहा है, जो आपसे करने को कहा जा रहा है, आप वो कितनी बखूबी कर देते हैं उसका ज्यादा जोर है। तो हम लोग यहाँ पे जो ट्रेंड और नॉन ट्रेंड है ना उसमें फंस के रह जाते हैं। ट्रेंड आदमी उस चीज की डेप्थ निकालने लगेगा, कैरेक्टराइजेशन सोचने लगेगा, फिर वो हो सकता है कि अपना मत भी रखे कि नहीं नहीं ये चरित्र ऐसे होगा वैसे होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि इतना टाइम नहीं है किसी के पास उस चीज के लिए, और नॉन ट्रेंड आदमी जो है उसको तो उस चीज का पता ही नहीं है। उसको जितना बोला गया कि भाई तुमको ऐसे ऐसे करना है उसने कर दिया। तो जब ऐसे देखा जाता है तो इंसान वो सोचता है कि जिसने मेरा टाइम इन्वेस्टमेंट कम किया मैं उसको लेता हूँ। यहाँ पे क्या होता जा रहा है, क्वालिटी मरती जा रही है। आपकी भीड़ तो बढ़ रही है
पर क्या हो रहा है, आपकी क्वालिटी नहीं है, इसीलिए एक्टिंग आप लेवल देखिए आजकल धारावाहिक का, तो स्टाइल सब चेंज हो गया है। फिल्म्स जो है उसमें वापस थिएटर के लोग आ रहे हैं, रंगमंच के लोग आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी कद्र हो रही है, उनकी जो उन्होंने सीखा है या चरित्र को जिस तरह निभाते हैं वो, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो इसलिए अब थोड़ा वेब सीरीज ने उनको तवज्जो दी है या फिल्म्स ने दी है, तो इसलिए उनका अपग्रेड वर्जन हो रहा है। लेकिन सीरियल्स जो हैं वो इसलिए क्योंकि उसमें सब नॉन ट्रेनीज ज्यादा जा रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह सकती जो ट्रेंड हो गया है इंसान वो बहुत अच्छा है या वो हर चीज में काबिल हो गया, ऐसा भी नहीं। कभी कभी नॉन ट्रेन लोग ज्यादा अच्छा काम करते हैं, तो ये तो पर्सन टू पर्सन ही वेरी करता है कि वो किसी चीज को कैसे लेता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेनिंग जरूरी इसलिए क्योंकि हमें ये भी पता चलता है उसमें कि हमें क्या चीज करनी है और क्या चीज हमें नहीं करनी है, जो कि हम जब अगर ट्रेन नहीं होते तो हमें नहीं समझ में आ पाता है। तो ये सारी चीजें तो है, लेकिन अब क्या है ना कि आजकल का यूथ है, कम टाइम में ज्यादा सक्सेस, ज्यादा जल्दी आगे बढ़ने के दौर होड़ में है, तो इसलिए वो कहता है कि जितनी देर में हम ट्रेनिंग लेके निकलेंगे उतनी देर में तो हम पता नहीं क्या कर डालेंगे। तो ये सारी चीजों का फर्क तो आता है, लेकिन जो मंझा हुआ कलाकार, जो ट्रेन कलाकार है और जो ऐसे ही उठ के आया, उसमें फर्क आपको कुछ ना कुछ दिन में समझ में आ ही जाता है। तो ट्रेनिंग लेना तो जरूरी है, लेकिन ट्रेनिंग को अपने सर पे नहीं हावी होने देना चाहिए। ये है कि आप ट्रेंड हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस चीज को बिल्कुल अपने पे हावी मत कर लीजिए कि हम अलग अलग घूम रहे हैं कि नहीं। हम किसी से सीख तो आप किसी से भी सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि आपने ही जो सीखा है वही एक अच्छा वो है। तो ये एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उस ट्रेनिंग को आप अपने सर पे या अपने चरित्र पे या अपने पर्सनालिटी पे हावी मत होने दीजिए। मैम ऐसा भी कहा जाता है कि मुंबई जाके नए आर्टिस्ट को जल्दी मौका नहीं मिलता काम करने का, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखो मुंबई का तो शॉर्टकट बहुत ही इजी है, अगर आप लड़के हैं और अगर आपको जल्दी काम चाहिए, अगर आप गुड लुकिंग हैं और इंग्लिश फ्लुएंट हैं और आपने थोड़ा जिम विम करके अपनी बॉडी को टोन्ड अप कर रखा है और आपने अपनी बिल्ड अच्छी बना रखी है, तो आपको डेफिनेटली काम मिल सकता है। हालांकि किस्मत हर जगह होती है, वो बात भी है। और अगर आप, जैसे आपने कहा कि वहाँ पे काम मिलने में असुविधा है, तो उसका कारण ही ये है कि हम जो रंगमंच के कलाकार हैं वो सब हम लोग घिस के पिट के जब वहाँ पहुँचते हैं तो उतने में तो कितनी भीड़ आगे होती है, फिर जो चॉइस आपका सिलेक्शन होता है तो वो, और होता क्या है कि आजकल लोग इस चीज पे भी ज्यादा डाल देते हैं कि पब्लिक डिमांड ये आ रही है गुड लुकिंग देखना। जैसे लड़कियां जो जितनी स्लिम ट्रिम हुई या जो ज्यादा सुंदर ब्यूटीफुल हुई उनको काम मिल जाएगा, भले ही उनको एक्टिंग नहीं आती हो, है। और लड़कों का भी सेम यही चीज है। तो क्या होता है कि काम का तो वहां पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। आज मैं आपसे बोलूं कि नहीं नहीं ऐसे लोगों को काम नहीं मिलेगा, हो सकता है उनको काम मिल जाए, या मैं कह दूं कि नहीं नहीं ऐसे लोगों को तो जरूर काम मिल जाएगा, तो हो सकता है उनको काम नहीं भी मिले। तो ये किस्मत की भी बात है और डेस्टिनी है ये सब कुछ, तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैम एक्टिंग के अलावा अगर हम बात करें बाकी चीजों की, जैसे राइटिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, तो इसमें भी क्या काम मिलने में लोगों को उतना ही सब संघर्ष करना जगह, पड़ता है? जी जी सब जगह यही है, क्योंकि हर फील्ड में भीड़ है। चाहे आप डायरेक्शन ले लीजिए, आप राइटिंग ले लीजिए, या कास्ट दे लीजिए, कास्टिंग करने की जो आपकी फील्ड है, हर जगह भीड़ है। वो आपको लोगों को उन्हीं के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। और एक तो मोनोपोली बहुत है मुंबई में, जैसे आप कहें या हर जगह ही होती है, मैं तो कहती हूँ हर डिपार्टमेंट में होती है। लेकिन अगर जैसे एक सर्किल है, तो वो जो सर्किल अगर बन गया है, वो उनका ग्रुप बन गया है, तो उस ग्रुप को तोड़ के किसी नए की एंट्री वहां पर होना बहुत डिफिकल्ट है। ये तो है वहां पर प्रॉब्लम। और दूसरा क्या, हम लोग जरा हिंदी बेल्ट के आते हैं, हिंदी बेल्ट के लोगों को वहां पर थोड़ा सफर करना पड़ता है। हालांकि वो थोड़ा मेंटली भी है कि हम लोग खुद से ही हिचक जाते हैं चीजों को लेके, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारे धारावाहिक सब हिंदी में बनते हैं, फिल्में सब हिंदी में बनती है, वेब सीरीज ठेठ हिंदी में बन रही हैं, ग्रामीण भाषा में बन रही हैं, तो ये हमारा घर का मतलब हमारे दिमाग का एक तो वो है, लेकिन थोड़ा तो है। लेकिन जो एक बारी इस चीज में वही है ना कि आप नदी में कूद गए हो तो फिर पार हो ही जाओगे, वो है। बस वो नदी में कूदने की हिम्मत दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी पार तो फिर धीरे धीरे करके समय कर ही देता है आपको। थोड़ी आपकी मेहनत, थोड़ी आपकी किस्मत और थोड़ा आशीर्वाद, ये सब मिलके आपको पहुंचा ही देते हैं जहां आपका वो रहता है, ठिकाना रहता है। मैम आप मुंबई में पहुंचकर भी रंगमंच को नहीं भूली और साथ साथ इन सब कामों के आप रंगमंच भी करती रही हैं,
तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जो लोग जब फिल्म स्ट्रगल के लिए निकलते हैं तो ट्रेनिंग तो थिएटर स्कूल से लेके निकलते हैं, रंगमंच की शिक्षा लेके निकलते हैं, तब बड़े बड़े ख्वाब होते हैं कि हम रंगमंच करेंगे, रंगमंच में ही काम करेंगे, रंगमंच को कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस संघर्ष में वो कहीं रंगमंच उनसे काफी पीछे छूट जाता है। सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो तृप्ति। मैं भी कभी कभी जैसे रंगमंच में मैं बीच में दूर हो गई थी, लेकिन रंगमंच ना मेरे लिए एक आत्मा है। मैं जितना सुकून थिएटर में पाती हूँ, चाहे मैं उसमें एक्टिंग करूँ, चाहे राइटिंग करूँ, चाहे मैं डायरेक्शन करूँ, मैं कुछ भी करूँ, जितना सुकून मुझे रंगमंच में लगता है उतना सुकून मुझे स्क्रीन में नहीं लगता सच में। ना उसके लिखने लेखन में, ना एक्टिंग तो मैंने अभी की नहीं है स्क्रीन के लिए बहुत, और ना ही उसके निर्देशन में। क्योंकि रंगमंच जो है ना, वो आत्मा है किसी भी अभिनय की, मुझे आत्मा लगती है। वो इतना सुकून देती है ना आपको, वो आपकी ऑडियंस की, वो जो तुरंत का रिफ्लेक्शन आता है आपका, और जो इतना वाइड होता है, और आपका वन टेक है वो उसमें आपका। क्योंकि क्या हुआ ना, जैसे हम किसी चीज में फ्लो में बह रहे हैं, हमारे इमोशंस आ रहे हैं, कहो हम उस इमोशंस में रोना हो तो रो भी जाए, लेकिन जहां पे अगर यहाँ पे टेक गड़बड़ हुआ, भले ही लाइट वाले की गड़बड़ी से या डायरेक्टर की गड़बड़ी से आपका कट बोल दिया, तो आपका इमोशन टूट गया ना, तो आप चाहे दूसरा टेक लें, तीसरा टेक लें, तो फिर वो इमोशन आप दोबारा नहीं कनेक्ट करते, आप नहीं कर पाते, इसलिए आप आर्टिफिशियल हो जाते हैं। जब चीजें मैकेनिकल हो जाती हैं, आर्टिफिशियल हो जाती हैं, तो फिर उसमें आत्मा नहीं लगती है, वो फिर लगता है कि अरे हाँ ठीक है, एक बेकार है, उसको करना है, ये डिफरेंस आता है। जबकि आपका सही हो गलत हो, रंगमंच में जो एक बार ही लाइट ऑन हुई तो कर्टन कॉल के टाइम ही आपका ऑफ होगा, भले ही आपकी गड़बड़ी भी अगर नाटक में हो रही है तो आपको वहीं मैनेज करके, क्योंकि उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपका लग रहा है तुरंत का तुरंत, आप इमोशन भी कैरी कर रहे हो और एनर्जी लेवल भी आपका सस्टेन है, तो स्वाभाविक है कि वहां आनंद ज्यादा आएगा। तो ये तो डिफरेंस है। तो मेरे लिए तो रंगमंच में जो सुकून है वो अभी तक इंडस्ट्री में नहीं मिल पाया है मुझे। मैम, ऐसा भी देखने में आ रहा है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं या ऐसे शहर हैं जहां रंगमंच को उतना बढ़ावा नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए, उस स्तर पे काम नहीं हो पा रहा या उतनी सुविधाएं नहीं हैं। प्रोत्साहन मिलने के लिए क्या काम करने चाहिए, क्या सुझाव हैं, कुछ इस पर बताना चाहें आप? हाँ तृप्ति, इसमें मेरा जो मानना है कि हिंदी थिएटर जैसे है, तो ये सबसे ज्यादा त्रासदी हिंदी थिएटर के साथ ज्यादा है। हालांकि जैसे दिल्ली मुंबई जैसे जगहों पे तो इतनी नहीं है, पर हम और तुम जिस तरह के शहरों से आए हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पे कल्चर नहीं है, थिएटर देखने का कल्चर नहीं है, और उसका सबसे बड़ा कारण है बॉलीवुड। क्योंकि हिंदी जो मनोरंजन की चीजें हैं जो हिंदी भाषा में, वो हमें बॉलीवुड पे मिलती हैं, और बॉलीवुड में सहज रूप में आपके घरों में टीवी है, आप पिक्चर हॉल में जाते हो, आप अगर आप ये भी देख लीजिए, आप त्रासदी देखिए थिएटर की, कि अगर थिएटर का 100 रुपए का भी टिकट रखते हैं हम, और फिल्म का हमारा 150-200 रुपए का भी होता है, तो पांच सौ लोग भी दो सौ होता है। रुपए का टिकट लेंगे और पॉपकॉर्न भी प्लस लेंगे 90 रुपए का, है ना, और फिर भी इंजॉय करेंगे और 3 घंटे में देख के आ जाएंगे या 2.5 घंटे 2 घंटे में जैसा रहा। लेकिन अगर थिएटर के लिए जब तक सबको फ्री में पास नहीं बंटते हैं तो कोई नहीं जाना पसंद करता। अच्छा, कल्चर नहीं है, उसका कारण ये है कि एक दौर में हिंदी थिएटर या रंगमंच या कोई भी भाषा का रंगमंच था वो बहुत रिच था, क्योंकि वही एक मनोरंजन का साधन था। बॉलीवुड आया, बॉलीवुड में अभिनय को मनोरंजन को घर घर तक पहुंचाया, तो लोगों को, और वो क्या है, वो एक जगह चीज जो बनती है वो पूरी दुनिया देख सकती है। जो प्रसिद्धि प्रसिद्धि मिली तो प्रसिद्धि के साथ आपका पैसा मिला, तो इसमें क्या हुआ, लोगों का अट्रैक्शन उधर की तरफ ज्यादा बढ़ा। अब थिएटर क्या, थिएटर में एक सर्टन है भाई, एक हॉल है, हॉल में अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा कैपेसिटी होगी 500 लोगों की, 1000 लोगों की, तो आप 1000-500 उसी शहर के लोगों को दिखा पाएंगे ना, या तो आपको खूब उसमें लागत लगा के उसको शहर से शहर घुमाना पड़ेगा, गाँव से गाँव ले जाना पड़ेगा, तो उसमें मेहनत ज्यादा है, लागत ज्यादा है, और लोगों को पता ही नहीं है कि रंगमंच को देखने का आनंद क्या है। तो वो एक लंबा दौर रहा जिसमें हिंदी रंगमंच में, इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि चाहे मराठी हो, चाहे बांग्ला हो, चाहे गुजराती हो, वहां पे अभी भी बहुत रिच है थिएटर। लोग अपने शूटिंग, वहां के एक्टर्स ऐसे होते हैं कि अपने शूट कैंसिल कर देते हैं अगर आपका शो लगाओ, पर यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपका शो लगा हो रहा हिंदी थिएटर में और वहीं पे किसी को की शूटिंग आ जाए, तो शूटिंग वो अपनी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि रंगमंच में अब यहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा है।
हम एमबीए करते हैं, एमबीए की तरफ लोग भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि एमबीए से हम जहाँ जॉब करेंगे वहां हमारे लाखों के पैकेजेस होंगे। थिएटर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम थिएटर का कोर्स करके निकले और हमारी कहीं जॉब लग जाए और हमें लाखों का पैकेज मिलने लगे। तो घर वाले भी कहते हैं कि क्या फायदा भाई रंगमंच करके, क्या फायदा, आपको पैसे तो मिल ही रहे, आप अपने शौक के लिए कुछ भी करते रहिए। अगर सोर्स ऑफ अर्निंग का जरिया रंगमंच बनता है, हिंदी रंगमंच हो या कोई भी रंगमंच हो, तो आपके घर वाले भी प्रमोट करेंगे कि नहीं नहीं जाइए आप, कीजिए। क्यों? क्योंकि दुनिया आय से ही चलती है। अगर आप इकोनॉमिकली उससे कोई चीज गेन नहीं कर रहे, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपकी फैमिली सफर कर रही है, आप घर की जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहे हैं, तो कोई क्यों कहेगा कि आप जाके रंगमंच कीजिए? तो रंगमंच की सबसे बड़ी त्रासदी होने का कारण ही यही है कि इससे आय नहीं निकल रही है। अगर इकोनॉमिकली इस प्रोफेशन में लोग साउंड होने लगे, आपको अर्निंग होने लगे, तो इसके भी जैसे लोग एमबीए करते हैं, एमसीए करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, तो उस तरह लोग थिएटर भी करेंगे, क्योंकि वो उसमें आप पैसा कमा पाएंगे, अपनी जीविका चला पाएंगे। तो मेरा तो यही है कि आप इसमें थोड़ा सा, मैं चाहती हूँ कि हर किसी का सहयोग हो, हर किसी की समझ का, स्कूलों का भी होना चाहिए। जैसे कोर्स में अब आ ही गए हैं, थिएटर भी एक विधा आ गई है, तो इससे भी काफी लोगों को सहायता मिली कि लोग थिएटर करें तो टीचिंग की जॉब कर सकते हैं। रंगमंच में रेपिट्रीज हैं, तो रंगमंडल है जिसमें आप प्रोफेशनल थिएटर करते हैं, आपको हर मंथ सैलरी मिलती है। इन सब चीजों की अगर ज्यादा वो होगी, प्रोग्रेस होगी, या जगह जगह रिपेटरी खुले, जगह जगह आपकी जॉब्स की तरह लगे, गवर्नमेंट भी इस तरफ ध्यान दे, जो सांस्कृतिक मंत्रालय है वो रंग कर्मियों को और प्रमोट करें और उनको साधन जो पैसे के हैं वो ज्यादा से ज्यादा जुटे, तो मुझे लगता है ये भी बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा। और फिर मुझे लगता है कि रंगमंच में ज्यादा लोगों को मजा आता है, इसलिए हो सकता है कि फिल्म्स लोग देखना भूल जाए जब उनकी आदत पड़ जाए नाटक वगैरह देखने की। तो मैम, ऐसे कलाकारों को क्या सुझाव देना चाहेंगी जो रंगमंच की शुरुआत करना चाहते हैं, उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये कि नाटक पढ़िए, नाटक पढ़िए, कहानी पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, ठीक है? आप आने से पहले, अब तो सब यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, जो बड़े बड़े आपके निर्देशक रहे, लेखक रहे, उनके अगर एक्टेड ड्रामा यूट्यूब पे पढ़े हों किसी के, तो वो इंसान देखे, पढ़ने से समझ खुलती है। आप जाएं जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जाएं, तो एक चीज तो ये सोच के जाएं कि इंस्टीट्यूट हमें कुछ नहीं देता, हमको लेना पड़ता है, ठीक है ना? अब चीजें क्या है, बच्चे अगर मान लीजिए एक क्लास में 60 लोग हैं, ठीक है, 60 आपके चिल्ड्रन हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप 60 के 60 पर इक्वली ध्यान नहीं दे सकते। 60 में से जो बच्चा टीचर से जो चीज ले सकता है वही आगे निकल पाता है। तो जिसको रंगमंच करना है, रंगमंच उनके पास नहीं आ रहा है, आप रंगमंच के पास जा रहे हैं, आपको लेना पड़ेगा। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, इंस्टीट्यूट आपको नहीं बुलाता है, तो आप अगर इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो इंस्टीट्यूट से चीजें लेने का काम जो है वो आपका स्वयं का है कि आप क्या ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, आप किस तरह उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं तो सभी अपने मतलब जो भी आने वाली जनरेशन थिएटर में कदम रखना चाहती है, तो मैं यही मतलब चाहती हूँ उनको बोलना कि पहली चीज तो ये कि रंगमंच को सिनेमा की सीढ़ी मत समझ के आए कि हाँ मैंने रंगमंच कर लिया, इसकी मैंने ट्रेनिंग ले ली, अब मैं जाके स्क्रीन पे काम कर सकता हूँ। अगर आपको स्क्रीन करना है तो स्क्रीन के इंस्टीट्यूट है, वहां जाइए आप, FTII जाइए, SRFTII जाइए, आप वहां से शिक्षा कीजिए, ग्रहण कीजिए। और अगर अगर आपको रंगमंच में ही कुछ सीखना है या करना, और अगर रंगमंच के ही इंस्टीट्यूट से आपको आना है, तो फिर आपको वहां जाके खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे हमें जिस चीज की भूख है या हमें प्यास है, वो खाना हमें ही ढूंढना है। कोई हमको देने वाला नहीं आने वाला, या कोई हमसे ये नहीं कहेगा कि नहीं बेटा तुम पढ़ लो, नाटक कर लो, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और सब किसी के साथ सेम सा एटीट्यूड भी कोई टीचर या कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रख सकता, वो हम ही हैं जो हमें खुद की तलाश करनी है। तो हर यूथ से मेरा यही है, नाटक करें, पढ़ें, करें, और कोई अभिनय से ये नहीं कि लाइन्स रट के बोलना नहीं है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, बड़े बड़े लोगों के सानिध्य में बैठें, उनकी अच्छी चीजें सीखें। बुरी चीजें भी होती हैं, पर बुरी चीजें ना सीखें, अच्छी चीजें सीखें। चीजें तो सब आएंगी, अच्छी या बुरी, तो आप अच्छी चीजें लें, उनके अनुभव से सीखें। ये नहीं कि अगर कोई बड़ा बोलने लगा, अरे यार ये तो अपना वही रोना लेके बैठ जाते हैं या अपने किस्से सुनाने लगते हैं, नहीं, उनके किस्से वो उनकी जर्नी है, वो जर्नी हमारी भी है, हमारी भी चल रही है, तो उनसे लें। जितना आप सुनेंगे, जितना सीखेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतने ही अच्छे कलाकार बनेंगे। जमीन से जुड़े रहें, जमीन से जुड़े रहेंगे तो ही ऊंचे उठेंगे।
बहुत अच्छी बात कही आपने कि जमीन से जुड़े रहें, और इतनी बारीकी से आपने हर बात को समझाया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले इससे जरूर लाभ लेंगे। आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, और बात करते करते देखिए हम साक्षात्कार के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। मैम, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों के प्रोत्साहन से श्री रमेश चंद गुप्ता जी, निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी की इस पहल यानी रंग समागम 2020 के संबंध में हम आपके विचार जानना चाहेंगे। ये बहुत ही अच्छी पहल है तृप्ति, रंग समागम। इसमें कई सारे मैं भी सुनती हूँ और मैं भी देखती आई हूँ जितने भी एपिसोड इसके हुए हैं, और लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपनी जर्नी शेयर करते हैं, जो कि हम लोग को जनरली नहीं पता चलती कभी, क्योंकि कोई भी आके अपना इतना समय दे के अगर अपनी लाइफ स्टाइल बताता है या अपनी जर्नी बताता है और सुन के बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे, तो ये वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है। और ये कहते हैं ना, किसी चीज की अच्छाई और बुराई दोनों होती है, तो कोरोना काल में जो लोग जब रहे तो एक आइडिया वहां से उपजा ये इस तरीके का, तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसमें हमने बहुत लोगों के बारे में जाना, उनके अनुभवों को जाना, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। और मैं आशा करती हूँ कि ये ऐसे ही चलता रहेगा और भी कई लोग, अभी तो मुट्ठी भर ही लोग आए हैं जिनसे हमारा साक्षात्कार हुआ है या हम लोग ने उनके बारे में जाना समझा है, और मैं आशा करती हूँ और भी बहुत बड़े बड़े पुरोधा यहाँ हैं जिनके बारे में हमें पता चलेगा। ये बहुत अच्छा प्रयास है, ये भारतेंदु नाट्य अकेडमी निदेशक महोदय हों या संस्कृति विभाग का ये जो पहल है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने मुझे भी इस लायक समझा कि मैं इसका एक हिस्सा बन सकूँ। इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने इतने व्यस्त क्षणों में से हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। थैंक यू तृप्ति, माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर।